हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं यहाँ पे मैथ के लिए आया था, पर मैं भूल गया था कि आज ऑफ है, तो 8:30 का मैथ होगा। तो मैं 8 बजे आज यहाँ पे पहुँच चुका था, परंतु कोई बात नहीं। तब तक मैं आपको जो हॉस्टल है वो दिखा देता हूँ कि बाहर से कैसा दिखता है, और अंदर से रूम टूर मैं आपको थोड़ी देर बाद करवाऊँगा पूरा। ये वीडियो स्पेशली हॉस्टल रूम टूर के लिए होने वाली है। इसके अंदर हम पूरा प्रॉपर हॉस्टल्स के बारे में पता करेंगे कि इसमें जो हॉस्टल्स हैं वो कैसे कैसे हैं, और साथ में हम ये देखेंगे कि कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही है, कैसे नहीं। ओके, तो मैं आपको पहले यहाँ से दिखाता हूँ कि मेरा कमरा कौन सा है बाहर से, और कैसा ये हॉस्टल दिख रहा है जिस ब्लॉक में मैं रहता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल है जिसका मैं 8th ब्लॉक में रहता हूँ। जो 7th और 8th ब्लॉक है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर ये टॉवल सूख रहा है वो मेरा रूम है। ओके, तो तभी तक मैं आपको पूरा हॉस्टल दिखा देता हूँ चारों तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चारों तरफ से मैं आपको हॉस्टल दिखा रहा हूँ घूम घूम के कि कैसा ये हॉस्टल होगा। और आप ये देख सकते हैं कि इस साइड से ये ऐसा है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है ये, शायद 60 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है। ओके, जैसा सर ने बताया कि 60 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है, परंतु काफ़ी अच्छा है, हमें ना रहना है, हमें पसंद भी आ रहा है, हमें मन भी लग चुका है मेरा। काफ़ी अच्छा माहौल है, इस साइड से इसका व्यू ऐसा आ रहा है। ये देखिए, ये इसका इस साइड का व्यू है, और यहाँ पास ही रेलवे स्टेशन है, और रेलवे लाइन जो है वो हॉस्टल से थोड़ी सी दूर से निकलती है, तो यहाँ पे हॉस्टल के पास पास ट्रेन का साउंड बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी हम चलते हैं मेरे रूम की तरफ और दिखाते हैं उसका आपको अपना रूम। आप ये देखिए, अभी हम ऊपर जाएंगे, और आपको मैं इधर से क्यों जा रहा हूँ, मैं इधर से भी तो जा सकता हूँ ना। अभी इधर से ही चलते हैं, वी विल गो डायरेक्टली टू माय रूम, उसके बाद आपको मैं मेरा रूम दिखाता हूँ। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, तो ये स्टेयर्स है फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये फर्स्ट फ्लोर की दो बालकनी है, एक बालकनी तो इस साइड है, अगर आप दिख रही है तो ये देखिए, ये बालकनी जहाँ से अभी मैं ऊपर आया हूँ ये वो वाला व्यू दिखाता है। सामने वो जो बिल्डिंग है जहाँ पे वो मैस है, वो भी दिखाता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। अब सामने एक ये वाला बालकनी है, आप देख सकते हैं, ये स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम है इधर वाला, ये मेरा रूम है। अभी चलते हैं मेरे रूम में। यस, लेट्स 1 2 3 हाय, ये बोला 1 2 3। दिस इज माय रूम। हमारा मेरा रूम नंबर है 824, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक ऊपर का शेल्फ है छोटा सा, जहाँ पे आप अपनी एक्सेसरीज रख सकते हैं, कुछ बुक्स जो आपको पार्ट टाइम रीड करनी होती है। ये मेरा बेड है, ये यहाँ पे मैंने मेरा बैग रखा हुआ है, कॉलेज बैग, साथ में ये मेरे ब्लैंकेट्स है। गेट को हम लेट कर देते हैं, बेस्ट सिस्टम, ना हाथ लगाने की जरूरत ना कुछ। ये मेरी अलमीरा है, मैं इसका अंदर का सामान अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो अनपैक प्रॉपरली नहीं हुआ है अभी तक, वो ऑलमोस्ट पैक ही है। ओके, ये मेरी नीचे कुछ बुक्स पड़ी है, ये मेरी वाटर बॉटल, यहाँ पे ये हमारा मंदिर है भगवान जी का, और साथ में मैंने मेरे कुछ एक्सेसरीज रखी हुई हैं, यहाँ मेरे कपड़े हैं, ये मेरी बालकोनी है इस साइड, ये स्केलेटन सिस्टम का चार्ट है, और ये देख सकते हैं काफ़ी वेल डेकोरेटेड लग रहा है। ये लाइट्स, ये पावर प्लग एक्सटेंशन मैंने खुद लगाया है इधर, ये मेरे शूज रखे हैं नीचे, ये मेरे को पापा ने गिफ्ट किया टेबल क्लॉक डिजिटल, टेम्परेचर मॉनिटर टेट एक्सेट्रा। तो बस यही इतना ही रूम है सिंगल बच्चे का जो फर्स्ट ईयर में आपको मिल रहा है। आपको एक अगर क्लोज ओवरव्यू देने की ट्राई करूँ तो ये अलमीरा, ये शेल्फ, बालकोनी, टेबल एंड बेड, दिस इज द रूम फॉर अ सिंगल स्टूडेंट। ओके, द हॉस्टल
मैनेजमेंट सेज दैट इफ यू आर सिंगल यू आर हैविंग अ सिंगल रूम इन फर्स्ट ईयर नॉट इन सेकंड. लेट्स मूव ऑन द बालकनी. गेट के पीछे एक और गेट आया, इसे भी खोल लेते हैं. और हाँ जी, ये देखिए ये यहाँ से नज़ारा कितना अच्छा दिखता है. सामने सूरज है तो मैं उसके कारण अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु ऑलमोस्ट मैं रिकॉर्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ. अगर आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं तो ये जो सामने बिल्डिंग जाती है, ये जो एंट्री है ना, ये मैस की एंट्री है. यहाँ से हम मैस में पहुँचते हैं, इसके बाद हम जस्ट मैस में जाएंगे. अभी तो 8 बजे हैं, मतलब 8 बज के कुछ मिनट्स हुए हैं, क्योंकि जब मैं क्विज प्लान स्टार्ट की थी उस टाइम 8 बजे थे. और जैसे ही 8:30 हो जाएंगे हम मैस में पहुँचेंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे आई मीन, और उसके बाद लेट्स मूव टू स्टडी और वट एवर आई थिंक. सो दिस इज अ सिंपल रूम टूर. ओके, मैस में इस वीडियो में इंक्लूड कर लेता हूँ या नेक्स्ट में करूँगी आप मुझे बताओ. चलो मैं इसी वीडियो में ऐड कर लूँगा मैस को भी. ये कैसा मैस है, तो दो वीडियो नहीं होंगे. सही है, ठीक है. मैंने मेरा रूम लॉक किया है और जस्ट आई एम गोइंग टू द मैस टू रिकॉर्ड द मैस बिफोर आई ईट ब्रेकफास्ट. ओके, क्योंकि जब ब्रेकफास्ट स्टार्ट होगा तो बच्चे वहाँ पे आ जाएंगे काम से, तो मुश्किल होगी कुछ वीडियोज के अंदर. तो मैं अभी जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए. ओके, मतलब मैस यहाँ का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा खाना भी बनता है, टेस्टी खाना है, सब सही है, बढ़िया है, बढ़िया हॉस्टल है, बढ़िया सब कुछ, बढ़िया पढ़ाई होगी, बढ़िया कॉलेज मिल गया. अब फील आने लगा कि हाँ एमबीबीएस सिलेक्शन हुआ है, फीलिंग जस्ट ग्रेट. लेट्स मूव. ये है हमारी मेस. जब यहाँ से एंट्री ले, चाहे कॉरिडोर से आओ, चाहे स्टेयर से आओ, हर जगह से आप एक ही जगह पहुँचेंगे. हमारी मेस का नाम है विजय मेस, जो स्पेशली आई थिंक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है. ओके, ये हमारी मेस, यहाँ से हम एंट्री करते हैं. देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टेबल्स लगा रखी है, काफ़ी सारी चेयर्स है. यहाँ पे वाटर कूलर फैसिलिटी है, यहाँ पे वॉश बेसिन्स है ताकि आप अपने हैंड वॉश कर सकें. साथ में यहाँ पे जो काउंटर है मैस का, वो काउंटर है, यहाँ से आप अपने मेन्यू चूज कर लेते हैं, अपना नाम लिखवा देते हैं, अपनी अटेंडेंस लगवा देते हैं. आई मीन अटेंडेंस के बाद ये देखिए कि यहाँ पे ये चार्ट है, मैगी 20 रुपीज़, 25 रुपीज़, मिल्क 20, पराठा 15, चीज सैंडविच 25, एग 10, आलू सैंडविच 12, कर्ड 15 रुपीज़, आलू सब्जी 10, चाय 20 रुपीज़, शेक 20 रुपीज़, 8 से 9 ब्रेकफास्ट, 1 to 2 लंच, 8 to 9 डिनर. दिस इज ऑल. ये हमारी मैस है, देखिए ये काउंटर सिस्टम है, अंदर यहाँ पे खाना बनता है. ये अंदर जो साथ वाले लोग हैं वो जो मैस के वो काम कर रहे हैं. ये आप देख सकते हैं कि यहाँ की मैस कैसी है. कुछ भी जो आप खिलाओगे आज तो. अच्छा, ये हमारे मेस वाले हैं. हेलो, काफी अच्छी मेस बना रखी है, काफी सफिशियंट स्पेस है अभी तक जितने बच्चे होने के लिए. बाद में देखते हैं जब 250 बच्चों का पूरा बैच हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, तो वो कितने बच्चे यहाँ पे एडजस्ट कर पाए हैं, कैसे कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, कैसे स्लोट वाइज खाते हैं, टाइम वाइज खाते हैं, कैसे खाते हैं. यहाँ पे काफ़ी अच्छी सीटिंग कैपेसिटी भी है और काफ़ी बड़ा हॉल है.